हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे 10 थिंग्स दैट वर डिज़ाइन एब्सोल्युटली फॉर डिफरेंट पर्पस। जैसे लिस्ट्रिन को माउथ वॉश करने नहीं बनाया था, या फिर ग्रीन टी बैग्स को डायरेक्टली पानी में रखने के लिए इन्वेंट नहीं किया था। तो चलिए, ज्ञान के इस महासागर में डुबकी लगाने और अपनी चीज़ों की जानकारी बढ़ाने शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली, जिसे हम अक्सर अपने चेहरों पर या फिर होठों पर लगाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हो कि इसे कारपेट्स और कुशन धोने में इस्तेमाल किया जाता था? 19 सेंचुरी के केमिस्ट रॉबर्ट चेसबर्ग ने एक ऑयल फील्ड इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने मशीनों से वैक्सी मटेरियल बाहर आते देखा, जिसकी प्रॉपर्टीज उन्हें छा गई। इसीलिए उन्होंने कपड़े धोने या फिर मरम पट्टी लगाने के लिए पहली बार पेट्रोलियम जेली को लॉन्च किया था। नंबर 2, ट्रेडमिल। इसे अक्सर आपने फिटनेस क्लब में या फिर किसी के घर पे देखा होगा, पर इसकी इन्वेंशन जिम में कसरत करने के लिए नहीं की थी, बल्कि सर विलियम क्यूबिट सन 1818 में जेल में बंदे कैदियों के लिए उनके फिटनेस के बारे में ध्यान रखते हुए पहली बार मिल ग्रेन को इस्तेमाल में लाया था, जहां कैदी एक हॉरिजॉन्टल बार को पकड़े एंडलेस स्टेयरकेस में भागते थे। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो घर पर ही वर्कआउट करने के लिए इस मिल ग्रेन को मॉडिफाई किया गया। नंबर 3, क्या आपको पता है रेफ्रिजरेटर को असल में गलती से इन्वेंट किया था? 1844 के येलो फीवर पैंडेमिक के बाद, जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, साइंटिस्ट ऑलिवर एक ऐसे मशीन यूज में लाना चाहते थे जो पानी को आइस में कन्वर्ट कर सके, ताकि पेशेंट्स को फीवर से राहत मिले। इसी के चलते कुछ वर्ष बाद में वैक्सीन को भी कूलिंग रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने लगे, और फिर आज इन फ्रिज को सब्जी और जूस स्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे पूरी ह्यूमन बॉडी स्कैन होती है ताकि कैंसर या फिर अन्य बीमारी जल्दी से डायग्नोस हो सके। लेकिन क्या आपको पता है, जापान के साइंटिस्ट ने एक ऐसी MRI मशीन इन्वेंट किया था जो आपके सपने पढ़ सकती हो। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे। इनका दावा था कि इंसान अगर एक घंटा यहाँ पे सोए और सपना देखे, तो उठने के बाद स्क्रीन पर इनका सपना देखा जाता है। थी ना कोई अटपटांग सी फैक्ट। नंबर 5, हिल्स, जो हर लड़कियों की शान होती है। लेकिन ये लड़कियों की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया था, बल्कि हाई हील फुटवेयर्स उन ऑफिशियल के लिए बनाए थे जिन्हें वॉर के बाद खून से भरे जमीन पर चलना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे लॉजिक हमारे इजिप्ट के इंजीनियर्स ही लगा सकते हैं। उसके बाद 19 सेंचुरी में हाई हील्ड पॉपुलैरिटी के लिए पहने जाने लगी। फिर 20 सेंचुरी के आने तक इन नाजुक से पैरों पर सड़क की गर्मी ना लगे और बॉयज से हाइटेड लगे, इसलिए लड़कियां इस्तेमाल करने लगी। नंबर 6, आपने लिप्टन ग्रीन टी की एड तो देखी होगी और शायद वैसे ही स्टेप्स फॉलो करते होंगे। तो मैं बता दूँ, ग्रीन टी को असल में गर्म पानी में डालकर पी लेना, ये गलत है। जी हाँ, जिसने इन ग्रीन टी बैग्स को बनाया था, उसकी सोच ये थी कि अगर टी पाउडर सेपरेट बैग में रहेंगे तो वो ज़्यादा हाइजीनिक और वेल डिसिप्लिन रहेगा, ताकि लोग अपने हाथों से बैग में से पाउडर डायरेक्टली गर्म पानी में डाल सके। तो अगली बार आप क्या करेंगे, किस तरह से ग्रीन टी पियेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 7 पे है माइक्रोवेव। इसे असल में बस एक रेडियो एक्टिव मटेरियल समझा गया था, क्योंकि इंजीनियर पर्सी स्पेंसर जी अपने लैब में काम करते समय उनके जेब में रखी चॉकलेट पिघलने की वजह से उनमें एक आइडिया जाग उठी, जहाँ वो एक डब्बे में रेडियो एक्टिव मटेरियल लिए खाने की चीज़ रखी, ताकि वह जान पाए ये काम करता है या नहीं। और एक्सीडेंटली उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों तक ओवन को बस पिघलने के लिए इस्तेमाल करने लगे, और आज खाना गर्म करने में यूज़ करते हैं। नंबर 8, आज जिस तरह से कोका कोला हमें सर्व किया जाता है, वैसे पहले नहीं किया जाता था। अमेरिकन सिविल वॉर के समय एक फार्मासिस्ट जॉन एम्बर्टन, जो एक वेटेरियन डॉक्टर थे, कोला नट्स और कोका लीव्स से मॉर्फिन की तरह इसे अपने घायल सोल्जर्स को देते थे, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक अट्रैक्टिव सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जिसका एक सिप लेते ही बार बार पीने का मन होता हो, और इसलिए हम कोका कोला इतने चाव से पीते हैं। नंबर 9, द फेमस बबल रैप, जिसे खेलने में सभी को मजा आता है। इसे इंजीनियर अल्फ्रेड और मारे ने सन 1957 में बनाया था। ये लोग असल में 3-डायमेंशनल प्लास्टिक वॉलपेपर बनाना चाहते थे, पर ये सफल नहीं बन सके। इनकी इन्वेंशन वेस्ट ना हो, इसीलिए इसे
पैकेजिंग में यूज करने के लिए इजाजत दे दी। नंबर 10 पे है लिस्ट्रिन, जिसे हम सभी माउथ वॉश के तौर पर यूज करते हैं। असल में जोसेफ लॉरेंस ने लिस्ट्रिन को एंटीसेप्टिक के तौर पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन रखने के लिए बनाया था, मगर लोगों को यह पोटेंशियल लगा और अपने डेली यूज के कामों में जैसे वुंड्स पर डैंड्रफ या फिर फंगाई और डिओड्रेंट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, तो समाप्त करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले फैक्ट से भरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।